नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट मेथड कौन सा है? प्रश्नावली विधि। हमने पहले पढ़ चुके हैं चार विधियां, अब हमारे पास फिफ्थ कौन सी आ गई? प्रश्नावली विधि। इसी को हम क्या कहते हैं? कागज व पेंसिल विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कागज व पेंसिल विधि भी कहते हैं, या फिर प्रिसूची विधि भी कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? प्रश्नावली विधि को ही क्या कहा जाता है? प्रिसूची विधि या कागज पेंसिल विधि। ये किसने दी? कौन है इसके जनक? वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। तो यहाँ से याद रखना कि बर्थ से ही क्या करने शुरू कर देते हैं, प्रश्न पूछने क्या करते हैं, राइज कर देते हैं ना हम। तो यहाँ से ये याद रख सकते हो, प्रश्नावली के जनक किसे कहा जाता है? वुडवर्थ को कहा जाता है। 1998 के अंदर लंदन सांख्यिक सोसाइटी, मीनिंग स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर प्रश्नावली विधि के लिए, मतलब अनुसंधान के लिए इस पर डिस्कस किया गया। किसके अंदर? 1998 लंदन सांख्यिक सोसाइटी में भी प्रश्नावली विधि को क्या किया? खोज की गई इसकी। तो यहाँ से हम ये भी आ सकता है कि जनक पूछे तो वुडवर्थ, और यदि मान लो इसकी खोज करने के लिए कौन सी हमारी सोसाइटी आई, ये तो कौन सी? स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो, साक्षरता का जो मीनिंग इंटरव्यू है, उसका जो औपचारिक और लिखित रूप होता है ना, इंटरव्यू का जो हमारा फॉर्मल और रिटन रूप होता है, उसी को क्या कहते हैं? इसके अंदर यूज हुआ किसके अंदर? प्रश्नावली विधि के अंदर, या प्रश्नावली विधि के अंदर। कहता है कि प्रश्नावली विधि है क्या? इसके अंदर क्या होता है? कोई एक समस्या होती है, उससे संबंधित अनेक व्यक्तियों के विचार लिए जाते हैं। किसके अंदर? प्रश्नावली विधि के अंदर। व्यक्ति के गुणों के परीक्षण हेतु, किसके? व्यक्ति के यदि गुणों की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। परीक्षण हेतु क्या करेंगे? प्रश्नों को तैयार करना, मीनिंग हमें किसी के बारे में जानना या किसी समस्या के बारे में जानना है, तो उससे संबंधित क्या बनाएंगे? क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, अलग अलग के क्या आएंगे? उनके आंसर आएंगे, तो उसी हिसाब से क्या हुआ उसका हम जांच करें भी कौन किस तरह से आंसर दे रहा है, तो उससे पता लग जाएगा कि उसके माइंड में क्या, वो किस तरह के विचार रखता है, ठीक है, किस तरह का बिहेवियर है। तो देखो यहाँ से प्रश्नावली विधि, एक ही समस्या, मीनिंग क्या? हमारे पास एक समस्या संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के विचार, एक समस्या ली उस पर अलग अलग व्यक्तियों के क्या हुए विचार जानने के लिए कौन सी विधि यूज करेंगे हम? प्रश्नावली विधि को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? प्रश्नावली विधि को। तो यहाँ से एक ये भी देखो, प्रश्नावली विधि के जनक कौन थे? वुडवर्थ। यदि आता है कि प्रश्नोत्तर विधि विधि है, उसके जनक कौन है? तो उसके जनक है हमारे पास सुकरात। कौन है? सुकरात, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि और प्रश्नावली विधि में अंतर क्या? देखो प्रश्नोत्तर विधि के लिए ना, जैसे हमारे अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है, जैसे जो क्लास में प्रश्न उत्तरों की चलते रहते हैं, वो कौन सी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि है। और आम जैसे हम यूज कर रहे हैं आम व्यक्ति के लिए, या कह सकते हो कि किसी भी समाज में किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, उसकी समस्या के लिए, तो वहाँ पे जो कौन सी विधि होती है? प्रश्नावली विधि होती है। प्रश्नावली के नाम से ध्यान रखना कि इसमें क्या होंगे? प्रश्न दिए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्नावली जो होगी, मीनिंग जो प्रश्न हम कर सकते हैं, वो किस किस तरह से हो सकते हैं? तो इसके अंदर आएगा हमारे पास बंद प्रतिबंधित। पहला कौन सा है? बंद प्रतिबंधित, मीनिंग इसके अंदर क्या है? फिक्स है आंसर, हमें हाँ या ना में देना है सिर्फ। कैसे? हाँ या ना, मीनिंग ट्रू या फॉल्स में होगा, क्वेश्चंस बना होगा भाई, ये आंसर इसमें हाँ या ना बताओ कोई भी, ठीक है भाई, सही है या गलत है, कोई स्टेटमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा कि ट्रू एंड फॉल्स। तो ये क्या हुई? बंद प्रतिबंधित, मीनिंग क्लोज्ड है ना, इसके बारे में हम आगे कुछ नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ आंसर एक वर्ड में देना है, हाँ या ना के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली कैसे हो सकते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, या खुली प्रश्नावली कह सकते हैं। खुली प्रश्नावली में क्या होता है? इसके अंदर ओपन, ठीक है, ये मीनिंग हम उत्तर लिखने की छूट होती है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके बारे में हमें क्या छूट है, हम उसमें लिख सकते हैं 100, 200, 300, 800, 900 वर्डों तक, ठीक है। इसके अंदर क्या आएंगे? हमारे पास छूट दी गई है उत्तर लिखने के लिए, ठीक है, जो भी व्यक्ति के विचार है वो सारे इसके अंदर लिख सकता है, ठीक है। अब एक होती है सचित्र विधि, प्रश्नावली का ही पार्ट है सचित्र प्रश्नावली। इसके अंदर क्या होता है? प्रश्न के उत्तर संबंधित चित्र देने, मीनिंग हमारे पास क्या होगा, एक चित्र दे दिया जाएगा, डायग्राम दे दिया जाएगा, उसके बारे में क्या बताना है हमें? आंसर बताने, क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग क्या होंगे, डायग्राम को देखकर किसी के मन में कुछ आएगा, कुछ कोई और दूसरा उसके बारे में अलग विचार रखेगा, इस तरह से क्या है इसके अंदर आंसर दिए जाते हैं। एक होती है मिश्रित प्रश्नावली, कौन सी? मिक्सर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, तीनों का मिश्रण होगा, किस किस का, मीनिंग उसके अंदर
हमारे पास बंद भी होंगे, मीनिंग यस या नो वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे, ओपन वाले भी होंगे जिसके अंदर हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि कितने वर्डों तक अपने को आंसर देना है। तीसरा, उसमें हमारे पास चित्र मीनिंग डायग्राम वाले भी होंगे। तो ये क्या हुई, मिश्रित प्रश्नावली हुई। इसकी विशेषता क्या है, देखो कम खर्चीली है, ज़्यादा खर्च नहीं लगता। दूसरा, समय की बचत होती है क्योंकि जैसे क्या करेंगे, पर्संस बनाए और क्या कर दिया, विभिन्न व्यक्तियों में दे दिया, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, वरना एक एक से पूछना भी मुश्किल होता है, ठीक है। मानकीकृत शब्दावली, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर हम पक्षपात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या, देखो सेम क्वेश्चंस हमने क्या किया, प्रिंट किए और वो क्या कर दिए, 10-15-20 जितनों से हमें आंसर लेने उनको दे दिया। तो यहाँ पे क्या, कोई पक्षपात नहीं हुआ ना, मानकीकृत शब्दावली बन गई वो, ठीक है। अब देखो हमारी नेक्स्ट विधि है नैदानिक विधि। कौन सी नैदानिक विधि, मीनिंग डायग्नोस्टिक मेथड के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो डायग्नोस्टिक मेथड या नैदानिक विधि का आरंभ कम से माना जाता है, 1896 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो लाइटनर विटमर थे उनके द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सालय की स्थापना के साथ माना गया। किसके साथ माना गया कि नैदानिक विधि कब आई, कि 1896 में जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय किसके द्वारा, लाइटनर विटमर के द्वारा प्रथम चिकित्सालय मनोचिकित्सालय की स्थापना हुई थी, उसी टाइम से नैदानिक विधि का क्या माना गया या आरंभ माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से नैदानिक विधि के यदि पूछे जाएं जनक तो लिख सकते हैं लाइटनर विटमर। कौन है, लाइटनर विटमर, ठीक है। अब देखो व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन, मीनिंग इसके अंदर हम क्या करेंगे, नैदानिक विधि के अंदर क्या होता है, इसमें होता है कि व्यक्ति के व्यवहार की जो जटिलताएँ हैं, कि उसके व्यवहार में क्या क्या बाधाएँ आ रही है, उनका अध्ययन करना है कि वो क्या क्या समस्या क्या है, कार्य में रुकावट कहाँ आ रही है, उसकी विषय वस्तु समझने में बाधा कहाँ हो रही है, इनके बारे में जानना ही क्या है नैदानिक विधि। मीनिंग हमें उसका जटिलताओं के बारे में समझना है कि वो कहाँ कहाँ उसकी मुश्किलें आ रही है, ठीक है। व्यक्ति का अध्ययन करके इसके अंदर क्या करते हैं नैदानिक विधि के अंदर, भाई पहले तो व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो उसके सामने कठिनाई आ रही है, जो कठिनाइयाँ जो मुश्किलें आ रही हैं उसका निदान खोजा जाता है, उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान, मीनिंग उसकी समस्या का क्या खोजा जाएगा, इलाज कह सकते हो कि, और समस्या कहाँ आ रही, किस वजह से आ रही है, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, फिर उसका निदान करेंगे, ठीक है। अब उसकी विशेषताएँ, अब इसकी विशेषताएं क्या है नैदानिक विधि की, निदान कर रहे हैं मीनिंग उसकी समस्या का सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, उसका हल खोज रहे हैं हम, जो भी हमारी कठिनाई थी। तो ये वास्तविक शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में उपयोगी, मीनिंग शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, मीनिंग शिक्षा के एरिया में बात कर रहे हैं, स्कूल में या कहीं भी शिक्षा में, तो वो कहता है कि उसकी जो शिक्षा संबंधी समस्याएँ होती है उनको हल करने में उपयोगी है, कौन से, डायग्नोस्टिक मेथड हमारा, क्योंकि उसमें पहले हम क्या करेंगे, उसकी समस्या को जानेंगे, स्कूल के अंदर भी बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रही है, उसको क्या करें जान के फिर उसका क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्तिगत विधि है, इसके अंदर जरूरी तो नहीं है ना हम ग्रुप में ही करेंगे, किसी एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये कौन सी व्यक्तिगत विधि हो गई हमारे पास। दोष क्या है, इसकी कमियाँ क्या क्या है हमारे पास, कमियाँ क्या है, इसके लिए कुशल मनोचिकित्सक की जरूरत होती है, मीनिंग जो इसके बारे में जानता हो वही क्या कर सकता है, मतलब उसकी खोज कर सकता है या किसी के बारे में अध्ययन कर सकता है। दूसरा, इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, धन की भी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि किसी के बारे में जानना है तो उसकी क्या है, पीछे की पूरी क्या करनी पड़ेगी, हमें जानना पड़ेगा निदान, उसके बारे में पहले जानेंगे, उसकी जटिलताएँ कहाँ कहाँ आ रही है, कैसे कैसे आ रही हैं, किस वजह से आ रही है, तो इसमें क्या टाइम लग रहा है ना, मेहनत लग रही है, ठीक है। ये थी हमारी नैदानिक विधि, नैदानिक विधि, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, सर्वेक्षण विधि या सांख्यिकी विधि, सर्वे मेथड या स्टैटिकल मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सर्वेक्षण का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी घटना का अवलोकन करना, मीनिंग उसको ऑब्जर्व करना, किसी घटना को देखना, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, स्टैटिकल नाम से पता लग रहा ना कि हम उसके अंदर किसी चीज़ का डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसकी समस्या को जानेंगे और हल करेंगे। देखो अध्ययनकर्ता जो अध्ययन कर रहा है वो क्या करेगा, पीड़ित व्यक्ति के बारे में डाटा इकट्ठा करता है, क्या करता है, डाटा इकट्ठा करता है, फिर समस्याओं का विश्लेषण करता है, मीनिंग उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे क्या करेगा, भागों में तोड़ेगा उस चीज़ को,
क्या कह रहा है कि जो हमारा संरक्षण मेथड है इसमें क्या है कि जो अध्ययन करता होता है वो कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो सकता है, बालक हो सकता है, उसके क्या करेगा बारे में डाटा इकट्ठा करेगा कि जहाँ जहाँ से उसे जो मिलेगा कि क्या समस्या है, कहाँ से आई है, वो उसके बारे में क्या कर रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है, फिर उस समस्या का क्या करता है, विश्लेषण करता है, मीनिंग जो उसकी समस्या थी उसको क्या करेगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेगा और फिर उसकी समस्या को क्या करेगा, हल करेगा। यहाँ से इसकी फिर विशेषताएँ क्या हुई, देखो इसमें क्या फैक्ट को इकट्ठा किया जा रहा है ना, डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं हमारे पास, तो ये क्या हो, एक वैज्ञानिक विधि हो गई, ठीक है। दूसरा इसमें देखो टाइम भी कम लगेगा, समय भी, टाइम, मेहनत, खर्च, ये सारे क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। संविधान इसमें क्या है, यदि हमें कोई चीज़ का समाधान करना है तो उसके लिए बहुत सारे व्यक्तियों के प्रतिदर्श लिए जाते हैं, मीनिंग राय ली जाती है, तो ये भी क्या इसकी विशेषता है ना, इसके अंदर हम कई जनों का क्या ले रहे हैं, अपने अपने विचार राय ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि दोष क्या है, कहता है कि इसके द्वारा जो हमें परिणाम मिलेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे, जरूरी तो नहीं है ना कि वो क्या है विश्वसनीय है, वो अविश्वसनीय भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की राय ली जा रही है, तो सारों की राय क्या सेम हो सकती है, नहीं ना, तो अलग अलग विचार होंगे सबके, इसलिए ये विश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। दूसरा इसकी दोष क्या है, व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते, मीनिंग व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं मिलता हमें इसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, हमें सर्वेक्षण विधि या सांख्यिकी विधि के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट विधि हमारी कौन सी है, साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू विधि, ठीक है। इस विधि को ही क्या कहते हैं, मौखिक प्रश्नावली विधि कहते हैं, हमने पीछे पढ़ी थी प्रश्नावली विधि, उसमें क्या था, हम लिखित के रूप में देते थे ना, तो यहाँ इंटरव्यू होता है वो तो मौखिक होता है ना, इसलिए इस विधि को क्या कह सकते हैं, मौखिक प्रश्नावली विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, इंटरव्यू ना, ये दो वर्ड से बना, देखो इंटर प्लस व्यू, ठीक है। इंटर का मीनिंग क्या होता है, आंतरिक, व्यू का मीनिंग अवलोकन करना या देखना ना, ऑब्जर्व करना, तो देखो यहाँ से साक्षात्कार का मीनिंग क्या बना, आंतरिक पक्ष का अवलोकन करना, मीनिंग इंटरव्यू का मीनिंग क्या हुआ, आंतरिक पक्ष का मीनिंग अंदर का जो हमारे क्या चल रहा है उसका ही ऑब्जर्वेशन करना क्या है, हमारे पास इंटरव्यू मेथड हो जाएगा। देखो इंटरव्यू मेथड सबसे पहले यूज कहाँ किया गया, लंदन के अंदर यूज किया गया, कब, हमारा 1908 या 1909 के अंदर, ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर देख लेना, जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही ना। अब ये कहता है कि कहाँ यूज हुआ, लंदन में, किसके लिए यूज किया गया था, प्रशासनिक भर्ती के लिए यूज हुआ था, किसमें, प्रशासनिक भर्ती थी उसके लिए इसको यूज किया गया था इंटरव्यू मेथड को। अब कहता है कि जो जॉन जी डार्ले थे, जॉन जी डार्ले, उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू है वो एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, मीनिंग हम किसी भी चीज पे, किसी टॉपिक पर यदि बातचीत कर रहे हैं, यदि उसका कुछ उद्देश्य है तो वो इंटरव्यू है, ठीक है। ये किसने कहा, डार्ले ने, ठीक है। अब यहाँ से देखो गैरेट, गैरेट ने क्या, गैरेट के अनुसार कहता है कि जो इंटरव्यू होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो होता है हमारे पास फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, कौन सा, दो तरह के, किसके अनुसार, गैरेट के अनुसार दो थे, फॉर्मल औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। देखो औपचारिक या फॉर्मल के अंदर क्या होता है, औपचारिक या फॉर्मल में क्या होगा कि हम निश्चित समय देंगे, निश्चित तरीका होगा उस चीज को लेने के लिए, और वहां प्रश्नों की जो संख्या होती है ना वो भी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है, क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, फॉर्मल, ठीक है, निश्चित समय, निश्चित तरीके, प्रश्न क्या होंगे, ज्यादा प्रश्नों की संख्या वहां क्या ली जाएगी, ज्यादा, किसमें, फॉर्मल के अंदर। अब कहता है अनौपचारिक क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल में क्या होगा, मीनिंग हम पर्सन कम पूछेंगे वहां पर, उसको जो सामने बैठा है, जिससे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके बारे में वो बताने का अवसर ज्यादा दिया जाता है, मीनिंग उसको अपने बारे में बताने का अधिक अवसर मिलता है, किसके अंदर, इनफॉर्मल के अंदर, ठीक है। ये किसके अनुसार थे, दोनों गैरेट के अनुसार थे, गैरेट के अनुसार क्या थे हमारे पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद देखो जो इंटरव्यू है उसके आगे टाइप्स और भी है, एक है नैदानिक, जो हमारा डायग्नोस्टिक इंटरव्यू हो सकता है कि कोई रिसर्च के लिए हो, शोध के लिए हो इंटरव्यू, कोई सर्वेक्षण के लिए हो, ठीक है, किसी सर्वे के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे इंटरव्यूज की टाइप हो सकती है। अब देखो ये जो पर्सनैलिटी होती है उसको मापने के लिए सर्वाधिक जो लोकप्रिय विधि है ना वो कौन सी है, इंटरव्यू ही है, ठीक है, मीनिंग किसी के व्यक्तित्व हमने मापन करना है कि किस तरह का उसकी पर्सनैलिटी है, किस तरह का व्यक्तित्व है, तो वहां सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी होगी, इंटरव्यू होगा हमारा, ठीक है। अब देखो लो, अब इंटरव्यू
की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इसकी विशेषताएं क्या, देखो विशेषता क्या होगी, इंटरव्यू के लिए कम से कम दो तो होने ही चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों होंगे, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि दो के बीच या दो से ज्यादा के बीच की वार्तालाप है, तो ये इसके अंदर हमें क्या होगा, कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना, उद्देश्य का ज्ञान होगा, किसी फिक्स फोकस पे बात करेंगे, ठीक है, उद्देश्य, ठीक है, कोई फिक्स फोकस होगा हमारे किसी चीज का, ठीक है, जिसपे हम डिस्कस करें। विभिन्न विषयों का ज्ञान, इसमें क्या है कि अलग अलग अपने विचार रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग क्या होगा, नॉलेज मिलेगी। दूसरा आमने सामने का वार्तालाप है, इसमें क्या है, आमने सामने होंगे, वैसे पर्सनावली होती है उसमें आमने सामने जो जरूरी नहीं है ना, इसमें लिखित दे दिया जाता है, ये क्या इंटरव्यू, यहाँ आमने सामने होना जरूरी है, ठीक है। दोस्त क्या है इसके, इसमें क्या है, परिश्रम ज्यादा लगता है, समय भी यदि समूह का कर रहे हैं तो ज्यादा लगेगा, उसका जो सेटअप करेंगे उसके लिए क्या है, धन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब समूह इंटरव्यू में कठिनाई होती है, मैंने ज्यादा समूह की बात करें, ज्यादा बंदों का हमें व्यक्तियों का इंटरव्यू लेना, तो उसमें क्या आती है, कठिनाई आती है। अब कहता है कि इसकी दोस्त के अंदर कह रहा है कि इंटरव्यू कौन ले सकता है, जो उस चीज को अच्छे से क्या करे, हैंडल कर पाए, मीनिंग कोई अच्छे से क्वेश्चंस पूछने वाला हो, वो क्या हुआ, योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। अब कहता है इंटरव्यू देने वाले अपनी भावनाओं और कमजोरियों को छिपाने में सफल हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो सामने वाला क्या होता है, वहां सच्चाई नहीं बता पाता, अपनी भावनाओं को छिपा लेता है, मीनिंग ये यहाँ पे क्या उसका दोष है ना, हम प्रॉपर क्या है, किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को नहीं समझते, वो जैसा बोलेगा हम तो वो ही मान लेंगे ना वहां पे, ठीक है, पर ये उसकी सच्चाई नहीं होती, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट विधि करते हैं हम, नेक्स्ट विधि हमारे पास गाथा वर्णन विधि, कौन सी है, गाथा वर्णन विधि। हम ये सारी कौन सी की टाइप कर रहे हैं, विवरणात्मक जो विधि थी उसी की टाइप चल रही है हमारे पास, ये लास्ट टू रह रही है। देखो गाथा वर्णन विधि क्या है, गाथा वर्णन विधि में क्या होता है, व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है, मीनिंग वो अपने पीछे का जो व्यवहार है, उसका जो अनुभव है, वो जो पीछे का उसने जैसा भी उसको अनुभव मिला, उसका व्यवहार था, वो क्या करेगा, उसका वर्णन करेगा। और जो मनोवैज्ञानिक होंगे, मनोवैज्ञानिक वो क्या करेंगे, उसको सुनकर, मीनिंग जो पीछे का उसका व्यवहार था उसको सुनेंगे भी कैसा था, उसका क्या करते हैं, लेखा तैयार करते हैं, मीनिंग उसको लिखते हैं डायरी में या कहीं कहानी के रूप में, और फिर उसका क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ नाम से गाथा वर्णन, मीनिंग वो अपनी गाथा गाएगा पीछे की, वही उसका व्यवहार कैसा था, उसका अनुभव कैसा था, और वो उसमें से मनोविज्ञानी क्या करेगा, उसको सुनेगा और उसको क्या करेगा, एक लेखे के रूप में लिखेगा और उसका निष्कर्ष निकालेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। ये क्या है, गाथा वर्णन विधि। इसके कुछ दोष है, दोष क्या है, देखो व्यक्ति पूर्व अनुभव या व्यवहार ठीक से याद नहीं कर पाता। कई बार ऐसे होता है कि हमें पीछे की सारी चीज़ें याद नहीं होती, कुछ ना हम भूल जाते हैं, जब उसका क्या कर रहे हैं, वर्णन कर या बता रहे किसी को, तो पूरा अनुभव या व्यवहार क्या याद नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा कुछ बातों को अपनी ओर से जोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने आप को सही दिखाने के लिए हम कुछ क्या होता है, झूठ भी बोल देते हैं या कुछ अपनी ओर से कोई चीज़ें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर इस विधि का कहते हैं कि ये गाथा वर्णन विधि है, वो आजकल वर्तमान में प्रचलित नहीं है, मीनिंग प्रयोग नहीं हो रही, ठीक है। अब हमारी लास्ट कौन सी है, कर्म निर्धारण विधि, कौन सी है, कर्म निर्धारण विधि। इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में रहने वाले लोगों के विचार व्यवहार को जानकर मूल्यांकन किया जाता है, मीनिंग इसके अंदर क्या होगा, देखो गाथा में तो क्या, वो व्यक्ति खुद सुनाएगा, इसमें क्या होगा, जिस व्यक्ति का हम कर रहे हैं उसके साथ के जो लोग हैं उनसे क्या करेंगे, उनके विचार या उसका व्यवहार पूछेंगे कि ये किस तरह का कर रहा है, फिर उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, किसके अंदर, कौन सी विधि में, कर्म निर्धारण विधि के अंदर, ठीक है। वर्तमान में इसका भी कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कर्म निर्धारण विधि में, जैसे घर में कोई समस्या है तो वो क्या करेंगे, हम उसके एक को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके आसपास के सबसे पूछेंगे ना, तो ये किसके अंदर है, कर्म निर्धारण विधि के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये भी आजकल कोई प्रचलित में नहीं है। थैंक्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।